गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। 14 साल के बालक की कोरोना से मौत, सिरमौर के लाना चेता में दहशत का आलम। ज्वाली में भाजपा के ओबीसी मोर्चा ने निकाली रैली, कंगना रनौत के बयानों का किया समर्थन। मंडी भाजपा को पंचायत चुनावों की फिगर, टीम को दिया एकता का संदेश। कोरोना के 10 केस सामने आने के बाद पंचरुखी होशियार, लोग कुछ यूं बरत रहे चौकसी। 25 साल से पक्की नहीं हुई सड़क, अब नाले का रूप धारण किया, ग्रामीणों ने उठाया ये कदम। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के मामले हर रोज बढ़ रहे हैं, वहीं मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। गत गुरुवार को रेणुका विधानसभा के दुर्गम क्षेत्र लाना चेता गुसान के 14 वर्षीय बालक की आईजीएमसी शिमला में कोरोना से मौत हो गई। ये लड़का कैंसर से पीड़ित था, जिसका करीब 2 महीने से आईजीएमसी में इलाज चल रहा था, मगर इसे कोरोना जैसी घातक बीमारी ने जकड़ लिया। वह लाना चेता वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 10वीं कक्षा का छात्र था। इसकी मौत से क्षेत्र दहशत में आ गया है तथा समूचा क्षेत्र गमगीन हो गया है। प्रशासन मृतक की हिस्ट्री खंगालने में जुट गया, परिवार के सदस्यों को घर में आइसोलेट होने की हिदायत दे दी है। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कंगना जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कंगना जी आप आगे बढ़ो, हम। संगठनात्मक जिला नूरपुर भाजपा ओबीसी मोर्चा ने कंगना रनौत के समर्थन में रैली निकाली। उन्होंने सुशांत केस में कंगना के विवाह बयानों को सही बताया। ये रैली जिलाध्यक्ष मलकियत ददोज की अध्यक्षता में निकाली गई। मोर्चा ने एसडीएम फतेहपुर बलवान चंद के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा तथा महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। हाड़ा चौक से एसडीएम फतेहपुर कार्यालय तक निकाली गई रैली में कंगना जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारे लगाए गए। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष ओपी चौधरी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा संवैधानिक ढंग से कंगना रनौत के कार्यालय को तोड़ा गया है, कंगना रनौत की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जाए। एसडीएम के माध्यम से हम राष्ट्रपति को और अपनी सरकार को, जो कंगना के ऊपर जो महाराष्ट्र सरकार ने अत्याचार किया, उनके घर हो चाहे दफ्तर हो, उनको गिराने की कोशिश की, दफ्तर गिराया भी गया, हम उसके ऊपर आज जो मंडम आदरणीय राष्ट्रपति जी को और सरकार को, सेंट्रल सरकार को भेज रहे हैं। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्यों ना हो इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, सरकार को बंद किया जाए। हमने अपनी हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के विषय के ऊपर हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा स्टैंड लिया है और पूरे प्रदेश में और पूरे देश में पार्टी ने कंगना के विषय के ऊपर स्टैंड लिया है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक जिला मंडी की विशेष बैठक परिधि गृह मंडी में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता रणवीर सिंह अध्यक्ष जिला भाजपा मंडी ने की। इस बैठक में मंडी संगठन मंत्री सुरेश शर्मा ने विशेष रूप से शिरकत की। बैठक में पार्टी के भावी कार्यक्रमों एवं पंचायती राज चुनावों पर चर्चा हुई। संगठन मंत्री सुरेश शर्मा ने पार्टी पदाधिकारियों को एकता का पाठ पढ़ाया। जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह ने भी कार्यकर्ताओं से पंचायती राज चुनावों को गंभीरता पूर्वक लेने की नसीहत दी। में जो लोगों ने जो सहयोग किया, उनका मैं खासकर अपने जो दानी सजन इस घड़ी में जिन्होंने अपने इच्छा के अनुसार जो योगदान COVID-19 में किया, उनका मैं पार्टी की तरफ से और कोरोना वायरस जो रहे, जैसे डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, अपने हर वर्ग ने जो सहयोग किया, डॉक्टर और पुलिस और महिला, युवा, बुजुर्ग, माताओं बहनों ने जो इस कोरोना महामारी में माननीय राष्ट्रीय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का आह्वान पर जो भी देश के प्रधानमंत्री लोगों को दिशा निर्देश देते थे, लोग उसका पालन करते थे, जो प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी ने इस कोरोना महामारी में
जो भी सरकार का सहयोग था उन्होंने किया, पार्टी को भी किया, लोगों को भी किया, और हर तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की जनता का सहयोग माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस प्रदेश के लिए COVID-19 में जो सहयोग के लिया उसके लिए पार्टी उनका सदा ही ऋणी रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय प्रधानमंत्री, उनकी पूरी टीम का, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व का, और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के संगठन का, और सभी कार्यकर्ताओं का, और दानी सज्जनों का मैं तहे दिल से, और जिन्होंने कोरोना वॉरियर में कर्मचारियों ने जो सहयोग किया, लोगों ने जो सहयोग किया, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। पंचरुखी व आसपास के क्षेत्रों में एक सप्ताह में 10 कोरोना संक्रमित मामले आने से लोगों सहित व्यापारी भी एहतियात बरत रहे हैं। शहर में लोग अपने कार्यों के लिए सावधानी बरतते हुए पहुंचकर खरीदारी कर रहे हैं। बैंकों, एटीएम व दुकानों में लोग सामाजिक दूरी बनाए हुए हैं। अधिकांश लोग बसों के बजाय अपने वाहनों व टैक्सियों में सफर करना उचित समझ रहे हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद दुकानदार ही नहीं ग्राहक भी चौकस हैं। बाजार में लोग अब बिना वजह कम ही घूमते नजर आ रहे हैं। विकासखंड नगरोटा सूर्य के तहत जरपाल से लोहरकुट अपर अमलेला की सड़क आज भी कच्ची है। ये सड़क 24 वर्ष बाद भी पक्की नहीं हो पाई है। ऐसे में लोगों में सरकार के प्रति रोष बढ़ रहा है। इस मामले में पूर्व प्रधान गुलजार सिंह, ईश्वरदास चेतराम, रामदयाल, वकील सिंह आदि ने कहा कि ये सड़क अब एक नाले का रूप ले चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर करीब 1500 के करीब आबादी है और 150 घरों के लिए ये एकमात्र सड़क है। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे ग्रामीण अपने कंधे पर उठाकर या चारपाई पर डालकर सड़क तक लाते हैं। ग्रामीणों ने फैसला किया है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में वे चुनावों का बहिष्कार करेंगे और किसी भी पार्टी के नेता को गांव में नहीं आने देंगे जब तक ये सड़क ठीक नहीं बनती। हमारे MLA जो भी हैं, MLA हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनसे यही अनुरोध है कि हमारी अपना सड़क का मुआयना करें या किसी भी सदस्य को यहाँ पे आकर देख मतलब दिखाया जाए कि हाँ ये चीज जो सड़क है वो मतलब चलने लायक है या नहीं है। आते हैं, मैंने ये अपना कंप्लेंट जो है अपना 1100 के माध्यम पे भी डाली थी इस रोड के, पर उन्होंने यही कह दिया कि जो भी है आपका जो काम है मतलब तुरंत शुरू होने वाला है, बट वो दिलासा ही था और कुछ नहीं है, ये दिलासा ही है। आज तक ये अपना आप देख सकते हैं, मतलब जब भी कोई अपना जैसे बोर्ड का टाइम, इलेक्शन का टाइम आता है तो अपना डिब्बे में चूना भर के ले आते हैं और वो पत्थर वो पोत के चले जाते हैं उसको कि हाँ इनको दिलासा मिल जाए कि नहीं ये सड़क का कुछ होने वाला है, बट आज तक नहीं हुआ। ये सड़क है जो है जरपाल से शुरू होती है और बनमलेब नाला में जाती है सड़क, जिसका निर्माण कार्य कई वर्षों से स्थगित किया जा रहा है। जो भी कोई सरकार आती है वो यही दिलासा देती है कि आपका जो रास्ता निर्माण जो हो जाएगा, लेकिन ये चुनावी दाव पेच की वजह से हमारा रास्ता देखिए आप कितना गंदा है। यहाँ पर भेड़ बकरियां नहीं चल सकती तो आदमी कैसे चलेंगे। यहाँ पे जब भी हमारा कोई भी निरीक्षण के लिए आता है बस यही बोलते हैं कि आपकी सड़क बन जाएगी, लेकिन वो ऐसे ही देखते हैं, जब चुनाव आते हैं तो देख के चले जाते हैं, उसके बाद पत्थर पुत्थर जो फेंक जाते हैं वो वापस लेके चले जाते हैं। हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि हमारा रास्ता जो है बनाया जाए, जल्द से जल्द बनाया जाए, जिससे हमें लोगों को जाने की परेशानी ना हो।